वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू दिस सुषमा एस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। वेल एज यू कैन सी गाइज, वी हैव अनदर आर्टिकल फ्रॉम द प्रोजेक्ट सिंडिकेट एंड द आर्टिकल वी हैव इज व्हेन सिविलाइजेशनल मॉडल्स कलाइड। तो चलिए देखते हैं पंच लाइन में क्या लिखा है। फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि 1991 में हुआ डिसइंटीग्रेशन, ओलिगार्किक कैपिटलिज्म फ्लरिश्ड इन बोथ रशिया एंड यूक्रेन। ओलिगार्की सोवियत यूनियन में गाइज आपकी रही है, जब आपके सो कॉल्ड प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वहाँ की भाषा में उन्हें ओलिगार्क्स कहा गया, वो बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो कहते डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो ओलिगार्की कैपिटलिज्म है वो दोनों ही कंट्रीज़ में फ्लरिश किया है, फिर वो चाहे रशिया में हो या यूक्रेन में हो। बट देयर पाथ्स हैव डाइवर्ज्ड शार्पली सिंस देन, foreshadowing a civilizational conflict that will determine not only their fate, उनका तो करेगा ही करेगा, but that of democracies throughout the West। तो यही सबसे बड़ी एक बात है यहाँ पे, जो आर्टिकल का टाइटल बहुत appropriately explain कर रहा है कि when civilizational models collide। So let's see क्या बात है। The war in Ukraine is a theater for two competing development paths, Russia's oligarchic capitalism and Ukraine's burgeoning civil society। वाकई देखा जाए दोनों के बीच में एक हमारा टसल है। Western countries should mark this distinction because oligarchic capitalism has increasingly taken root within their own systems of economic and political governance, and the Ukrainians meanwhile have offered an alternative, like people working together democratically to fashion a better collective future। रशिया-यूक्रेन वॉर में तो खास करके हमारे जो यूक्रेन के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में ये दिखाया कि कैसे अपने एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, लोग भी आपके खैर आगे आ रहे हैं। सो फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, oligarchic capitalism flourished in Russia and Ukraine. Well, in the 1990s, informal power networks took hold in both countries, and some of these clans, जो कि वहाँ के लोग उन्हें खैर अक्सर कहते हैं, mobilized to control key sectors such as internal security, energy or natural resources. Mafia kind of culture जो आपका रहता है। The keepers of these assets, the oligarchs, then became millionaires or even billionaires almost overnight owing to the era's corrupt privatization schemes। ऊपर से वो दौर आपके सो कॉल्ड इकोनॉमिक मैं कहूँगा कि रीस्ट्रक्चरिंग का तो था ही, और ये ओलीगैर्क्स के हाथ में जब इन स्टेट्स के नेचुरल रिसोर्सेज हाथ लगे तो उन लोगों ने एक्सप्लॉयट करके खूब पैसा जो है वो जमा किया। The clans ran their own kleptocratic resource extraction and offshoring operations and competed for control। वो बात यहाँ पे बिल्कुल लागू हो जाती है जो हम अक्सर political science में पढ़ते हैं कि might is right, economic might is right वाली बात है। So these webs of political, business, criminal relationships, जैसे मैंने कहा कि एक माफिया कल्चर है और अपनी economic vibrancy की वजह से ये लोग आपके ये काम कर रहे थे और फिर उसके बाद पावर में भी आए। सो दीज वेब्स ऑफ पॉलिटिकल, बिजनेस, क्रिमिनल रिलेशनशिप्स आल्सो एंस्नेयर्ड वेस्टर्न लीडर्स, हेल्पिंग टू स्प्रेड ओलिगार्किक कैपिटलिज्म ग्लोबली। जैसे कि फॉर्मर जर्मन चांसलर जरहार्ड स्क्रॉडर को लगा लीजिए, हु इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद गैज़प्रॉम, क्रेमलिन कंट्रोल्ड नेचुरल गैस कॉन्ग्लोमेरेट बिगैन बिफोर ही इवन लेफ्ट ऑफिस। So from similar starting points, however, Russia and Ukraine have taken different paths. So for its part, Russia pursued a strategic state vision, and that was heavily dependent on infiltrating and corrupting Western institutions. क्योंकि उनके so-called Soviet Union के होने में भी लड़ाई, it was all about the economic model. ऐसा नहीं है कि दोनों में common ground नहीं था. Both of them wanted the good life and the good developmental practices for their people. पर इट वॉज द वे, जैसे वेस्टर्न मॉडल्स आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे, ऑन दी अदर हैंड दीज रशियंस बिलीव्ड इन दी सेंट्रलाइजेशन, या मतलब स्टेट कंट्रोल उनका ज़्यादा होना चाहिए। सिंस 2012 व्हेन व्लादिमीर पुतिन बिगैन हिज थर्ड टर्म एज प्रेजिडेंट, रशियाज क्लैंस एंड ओलिगार्क्स हैव बीन फर्मली इन हिज ग्रिप,
हेल्पिंग टू कल्टिवेट पॉलिटिकल करप्शन अब्रॉड। तो जब कह सकते हैं कि हम एसिमेट्रिक जो हमारे तरीके हैं अपने पावर को वील्ड करने के, वो वाकई 2012 ऑनवर्ड शुरू हुए। और अगर हम खास करके बात करें 2016 की अमेरिकन इलेक्शंस में मेडल करना, या उसके बाद में साइबर जिस कदर नेटवर्क्स को डिसरप्ट करना, ये सब तरीके हैं उनके जो उन्होंने ओलिगार्क्स और क्लैंस की मदद से और एक रिलेशनशिप जो बना वहाँ पे, उससे उन्होंने अपनी पावर को वील्ड किया इंटरनेशनल नेटवर्क्स के अंदर। सो वाइल Gazprom operatives weaponized oil and gas and corrupted Western politicians and parties to achieve dominance in European energy markets and distribution networks, Kremligarchs, some of whom were named in the Mueller report as well, Kremligarchs कह सकते हो आप जो Kremlin based आपके, served as handmaidens of Putin's foreign policy. So meanwhile, at home, Putin was slowly suffocating the NGOs and independent media outlets established in the 1990s, leaving the security oblique intelligence organs holding all the real power. खास करके जब वहाँ पे उनकी FSB है, जो आज से पहले उनकी KGB हुआ करती थी हमारे सोवियत यूनियन के दौर में, तो उसी के हाथ में उन्होंने मेन पावर दे दी, मेन कंट्रोल दे दिया। और 90s में जो एक डेमोक्रेटाइजेशन के रास्ते पे बोरिस येल्सिन ने रशिया को डाला था, वो पुतिन ने 2000 ऑनवर्ड्स कुछ हद तक निभाया, बट फाइनली 12 तक आते आते ही डिसरप्टेड द होल सिस्टम। सो वेयर एज रशियन इनफॉर्मल पावर नेटवर्क्स केम टू सर्व द स्टेट, यूक्रेन हैड नो कंपेरेबल अरेंजमेंट एंड इट हैज रिमेन्ड डेमोक्रेसी सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1991। ब्रैकेट में लिखा है हालांकि वीक डेमोक्रेसी, काफ़ी रेवोल्यूशंस आपके वहाँ पे भी हुए हैं, कलर रेवोल्यूशंस हैं एंड मैदान रेवोल्यूशन है, बट फिर भी इन द एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैन इट्स कंपीटिंग क्लैंस एंड ओलिगार्क्स इनफीबल्ड द स्टेट वाइल प्रमोटिंग देयर ऑन इंटरेस्ट एज डिड द क्रेमलिन थ्रू चैनल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोपेगेंडा एंड साइबर वॉरफेयर टू करप्टिंग यूक्रेनियन ऑफिशियल्स। मैंने बताया आपको कि ऑल ऑफ दीज आर एसिमेट्रिकल पावर रिलेशनशिप्स आप कह सकते हो, जिनकी बदौलत वो ये काम ऐसा कर पाए। बट फिर भी दिस वीकनिंग ऑफ द यूक्रेनियन स्टेट क्रिएटेड एन ओपनिंग फॉर सिविल सोसाइटी एंड कलेबोरेटिव ऑर्गेनाइजिंग। सो ओइंग टू दिस स्पेस फॉर मोबिलाइजेशन फ्रॉम बिलो, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच कह सकते हैं, द यूक्रेनियन स्टेट वॉज न्यूली एम्पावर्ड आफ्टर रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड इनकर्जन्स इनटू ईस्टर्न यूक्रेन इन 2014। बट सिंस देन इट हैज बीन एबल टू इम्पोज सम लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द ओलिगार्क्स इंक्लूडिंग दोज सर्विंग क्रेमलिन इंटरेस्ट वाइल इन यूक्रेन। So the Ukrainian civil society that has emerged over the past two decades embodies a collective commitment to national survival. And since last year's invasion, jo Russia ne kiya aapka, Ukrainians have mobilized themselves repeatedly to repair damaged homes, shelter internally displaced persons, and sustain the war effort as volunteer cooks, drivers, and fundraisers. मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें कोई दुराई नहीं कि अपने शेयर्ड और कलेक्टिव फ्यूचर के लिए उनकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, उनकी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ने बहुत मार्वलस रोल प्ले किया है। सो सिंस द वॉर बिगैन लास्ट ईयर इन फेब, एफर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड मेनली एट द म्युनिसिपल लेवल एंड कोऑर्डिनेटेड विद कीव हैव हेल्प्ड टू इवैक्यूएट ऑलमोस्ट 7 million वुमेन एंड चिल्ड्रन टू नेबरिंग कंट्रीज। Ukrainians are not only defending their homeland, but they are also showcasing a sustainable and scalable political project that can be applied in the other Western economies as well. Tabhi unhone ye likha tha ki when it comes to collision of the economic models ya civilizational ke models ki jab baat hoti hai, to wo yehi aapko batana cha rahe the ki that's what the case is. So the Ukrainian example is especially relevant to Western democracies, where a trend toward oligarchic capitalism has compromised the integrity of political, financial, and educational institutions. तो ऐसे में वाकई Ukrainian example Western democracies के लिए relevant है. The world's financial centers, notably in Europe and North America, are awash in dirty money that is laundered and then channeled toward lobbying and political action. पर उन्हें चाहिए कि उनका सही पैसा जो है किस मॉडल के ऊपर लगना चाहिए,
सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए. अगेन स्क्रॉडर एग्जाम्पलीफाइज दिस करप्शन. सो आफ्टर लीविंग ऑफिस ही मेड मिलियंस फ्रॉम रशियन एनर्जी इंटरेस्ट while Germany came to rely on Russia for more than half of its natural gas in the years leading up to the invasion. और आज की डेट में जब उनको ये करना पड़ रहा है तो काफ़ी मुसीबत है, पर यह जबकि पहले टैकल हो सकता था, पर वही बात, उनके इंक्रीजिंग लिंक्स की बदौलत उन्होंने इकॉनमी को डिपेंडेंट बनाए रखा आपके रशियन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, जो हम नॉर्ड स्ट्रीम की बात करते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, ये उसका जिक्र है. The structures of oligarchic capitalism in the West are mostly homegrown. They are the creation of the hedge fund managers, lawyers, and tax attorneys who deal in ill-gotten cash, the professionals who help inflate real estate prices, and the PR firms and universities that burnish kleptocrats' images. एक निज़ाम है पूरे का पूरा, देखिए, इन सो कॉल्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर, जो इन द नेम ऑफ द कैपिटलिज्म वो ये सारी चीज़ें करते हैं. और लिखा जैसे उन्होंने मोस्टली होम ग्रोन, उनका खुद का ही किया धरा है. और पूरा सिस्टम है, मतलब ये नहीं, एडुकेशन का सिस्टम है, फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड देन पॉलिटिकल कंट्रोल वील्ड करने वाले भी इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. तो जैसे मैंने कहा, पूरा निज़ाम ही इसका धरा है, पूरा सिस्टम ही इन सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स पे चलता है. सो द राइज ऑफ ओलिगार्किक कैपिटलिज्म इन द वेस्ट हैज बोथ परवर्टेड कैपिटलिज्म एंड इरोडेड डेमोक्रेसी, इसमें कोई दराय नहीं है. Wealth inequality has surged, trust in institutions has plummeted, and Trumpism and other anti-system movements have flourished. In the name of the xenophobic tendencies, जहाँ पे capitalism इस कदर आपका सर उठाएगा, तो वाकई democratic institutions आपके suffer करते हैं. So Ukrainians can teach us a lot about how to confront these challenges, जैसे उन्होंने Russian invasion के wake में किया. While a oligarchic capitalism persists there as well, the country's civil society is pushing back more effectively than almost anywhere else. So even while under fire, Ukrainians continue to fight corruption both through grassroots NGO-led efforts and state anti-corruption institutions. पर वही है कि देखिए, ये तो मर्जी अवाम की है. अवाम यूक्रेन के शेयर्ड कलेक्टिव फ्यूचर को बेटर बनाना चाहती है, रिड ऑफ आई शुड से परवर्टेड कैपिटलिज्म एंड दिस करप्शन. तो इसी की बदौलत वो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रही है. वेल सिंस 2015 द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड स्टेट ऑफिशियल्स एसेट्स एंड इनकम्स. एंड फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन हैज़ बीन एबल टू नेशनलाइज or shutter several oligarch-owned banks even. But the endurance of Ukraine's reforms will largely depend on how oligarchic capitalism plays out in the West, क्योंकि after all जो support है वो उन लोगों की भी है यूक्रेन के इन systems को चलाए रखने में. तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत कुछ depend हमारे West में चल रहे oligarchic capitalism पे भी करता है, क्योंकि फॉर ईयर्स यूक्रेनियन एंटी करप्शन एक्सपर्ट्स हैव प्लीटेड विद वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स टू डिसमेंटल द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट सस्टेन ओलिगार्किक कैपिटलिज्म अराउंड द वर्ल्ड. सो रशियाज वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन हैज फर्दर अंडरस्कोर्ड द अर्जेंसी ऑफ दिस टास्क, एंड दैट इज व्हाई यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी लीडर्स हैव स्टेप्ड अप देयर एक्टिविज्म ओवर द पास्ट ईयर, meeting frequently with representatives of European and North American governments, NGOs and media, so that ki wo apne is oligarchic capitalism ko nip in the bud puri tarah se kar sake. So to be sure, Western civil society has also tried to shine a spotlight on the problem, though it has not yet benefited from the groundswell of civic attention and activism or even the lukewarm elite backing that we see in Ukraine. पर वही है कि अभी अपने वो उन मॉडल्स को लागू नहीं कर पाए पूरे तरीके से अपने कंट्रीज में इस यूक्रेनियन रिजॉल्व को देख के. पर ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, उन्होंने लिखा भी है, बट मेक नो मिस्टेक, क्योंकि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सिविलाइजेशनल मॉडल्स, जिसमें ओलिगार्किक कैपिटलिज्म इन द नेम ऑफ रशियंस एंड सिविल सोसाइटी, इज एज मच अबाउट आर ऑन फ्यूचर एज इट इज अबाउट देयर्स एज वेल. पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना कि वो वहाँ पे
कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ईस्टर्न यूरोप में रेलेवेंट है. सो द सिविल सोसाइटी फॉर विच द यूक्रेनियंस आर फाइटिंग एंड डाइंग मस्ट विन ऑन द बैटल फील्ड एंड देन इन आवर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. अगर वो इस सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं या यूं कहें कि अगर वो इस सिविलाइजेशनल मॉडल्स के कोलिजन में सिविल सोसाइटी को या डेमोक्रेसी की जीत अगर देखना चाहते हैं तो अभी हमने जो आपको गाइस एक पहले आर्टिकल दिया जिसमें हम रोल ऑफ द स्टेट और कैपिटलिज्म की बात कर ही रहे थे, एक बार यहाँ पे फिर से कुछ वैसी ही बात, पर यहाँ बात जो है वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज इन फर्दरिंग द डेमोक्रेसी, जो GS2 का हमारा टॉपिक है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लागू होती है चीज़. तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस कदर ओलिगार्की कैपिटलिज्म वर्सेस सिविल सोसाइटी के मॉडल को एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट के तौर पे देखा जा रहा है कि इवन वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर भी ये चीज उतनी ही रेलेवेंट है. सो दैट इज द आर्टिकल वी हैव गाइज एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट. सो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके सब्सक्राइब से गाइज हमें बहुत सपोर्ट मिलती है एंड इट गिव्स अस न्यू पुश एज वेल टू गिव न्यू एनालिसिस टू यू, क्वालिटी कॉन्टेंट टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कीजिए अपना फीडबैक, अपने कमेंट जरूर दीजिए व्हाट डू यू फील अबाउट इट, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो गाइज, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.